लता मंगेशकर और मलका तरन्नम नूरजहां दोवें भैणा भी सन, सहेलियां भी सन, तो एक प्रोफेशनल जेलिसी भी थी। अच्छा, ये इस पे जरा रोशनी डालें, प्रोफेशनल जेलिसी मतलब केड़ा तीसरा कौमी नजरिया सी है प्रोफेशनल जेलिसी? ट्रिब्यूट पेश कर दे, वो कदी ना ओनू एक्सेप्ट कर दे, एक्सेप्ट कर दे। बेटा तेनू की हो गया, वो तेनु बढ़िया की मैं गलत गया सजना ने कहा सबसे पुकार के। नहीं, मैं जो पाजी दे बारे च पढ़ रही सा और सुन रही सा दलेर पाजी नू, ते उन्दे नाल मेरे हाथ से एक चीज लगी, बीबीसी ते तुसी कुछ लिखिया सी म्यूजिकोलॉजी और लता जी और तुसी मैडम नूर जहां साहिबा नू एस रीजन चो, तुसी दोवां नू लेके कंपैरिजन बड़ा सोना कीता सी, राइट? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो आप बोल के बताएं, जो आपने लिखा है उन दोनों का जो मुवाजना आपने किया, उनकी खसूसियात बयान की। अच्छा, उसकी समरी ये है, सदफ के मलका तरन्नम नूरजहां जी और लता मंगेशकर साहिबा जी, दोनों बहुत बड़ी सिंगर थी पिछली सदी की, और मैं ये समझता हूँ उन्हें पिछली सदी पे सिर्फ वो करना आज भी रखना, ही थे एक जड़ा क्रिज्मा हाँ, है वो पता नहीं कब तक, जब हाँ तक इंसान, जब तक इंसानी जमालियात और जो सुनने की हिस है हाँ जी। और मुझे लगता है कि बहुत सालों तक जो है उनका अंदाज, उनका स्टाइल जो है जी, वो मुस्तमिल रहेगा और आउटडेटेड नहीं होगा। बिल्कुल सही। और इनमें बड़ा मजेदार रिश्ता था, दोनों लता मंगेशकर और मलका तरन्नम नूरजहां दोवें भैणा भी सन, सहेलियां भी सन, तो एक प्रोफेशनल जेलिसी भी थी। अच्छा, ये इस पे जरा रोशनी डालें, प्रोफेशनल जेलिसी मतलब केड़ा तीसरा कौमी नजरिया सी है प्रोफेशनल जेलिसी? भाई देखें, ये आप तो खुद भी आर्टिस्ट हैं और आप म्यूजिक जो है करती हैं, वो आप ये देखें कि ये जो होता है ना आर्टिस्ट, जब वो पिट मैदान में निकलता है, आता है मैदान में, तो फिर वो उसके जहन में ये होता है कि मैंने इसके मुकाबला ये होता है कि भाई मैंने इससे अच्छा करना है परफॉर्म या इसके करीब जाना है। तो लता मंगेशकर साहिबा जो है वो उनको गुरु भी कहती थी, अच्छा, उनको अपनी टीचर भी मानती थी, दीदी भी कहती थी जी। और फिर उन्होंने जो गाया वो आपके सामने है। ये तो लता जी की आजी इनकसारी और उनका बड़ापन है जी, बिकॉज रिजन मुख्तलिफ। बहुत अच्छा गाती हो बेटा, पर कोशिश करो कि क्लासिकल सीखो। मतलब और दो रिजन, दो मुख्तलिफ लोग। अच्छा, रिजन तो शायद एक ही था, बात की बात से हाँ, तकसीम मतलब होगी, मुल्क मुल्क दो हाँ जी। रीजन को कितने कसूर है, कितने मराठी बोलने वाला इंसान है, उनका नोट्स वखरे ने, उनका बोलना वखरा है, उनका अंदाज, उनका रहन सहन यू नो डिफरेंट है। नोट्स तो ठीक है, नोट्स तो डिफरेंट, नोट्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रागेश्री, बागेश्री, मालकौंस, चंद्र कौंस, सारे जड़े ने और साडे इको ही है ने। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, म्यूजिक की जुबान तो नहीं होती है, म्यूजिक मतलब की फील है, एक अरोमा है उसका अपना। हाँ, तो ये जेलसी दी गल हो रही सी। हाँ, जेलसी दी गल हो रही सी कि ये बहुत थोड़ा अरसा जो लता जी और मैडम नूरजहां जो कट्ठे रहे हैं, 1940-42 में मलका तरन्नम नूरजहां वहाँ फिल्म में काम कर रही थी जी, जी। और स्टार बन गई है जी, जी। और जुगनू फिल्म और दूसरी फिल्म में, और उस वक्त जूनियर एक्ट्रेस भी थी लता मंगेशकर, और गा भी रही थी। अच्छा। और उनके जो कोर्स थे उसमें गाती थी वो, ये वो जमाना था, शमशाद बेगम का जमाना था, वो फिल्म की बड़ी गायिका थी और कुछ और गाने वाली थी। और लता मंगेशकर साहिबा को आपको पता है कि रानी मुखर्जी के दादा जी। या इस तरह का कोई उनका था, मुखर्जी सेठ थे बहुत मशहूर, उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया था। ओके। उन्होंने कहा कि ये तो आवाज बहुत बारीक है, और मास्टर गुलाम हैदर, मास्टर गुलाम हैदर
यहाँ पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकार थे जो इंडिया में भी उतने ही बड़े कहलाए। जी आप ये देखिए कि 1940 से लेके, मुझे अब सन नहीं याद, हुमायूं फिल्म थी उस वक्त उन्होंने 1,00,000 रुपया म्यूजिक का लिया था। 1,00,000 रुपया जो पैसे बहुत कट छपते थे, मतलब अच्छा हाँ जी। तो बासर गुलाम हैदर ने इनको वो करवाया, चांस दिलवाया मेन एज ए लीड सिंगर, और वो सारी जिंदगी फिर जो है वो उनकी ममनून रही। और मैं जो लता मंगेशकर साहिबा का, आपने माजरत के साथ आपने जिक्र भी किया था ताड़ी जड़ी लिखत है उनके अंदर, तो एक जिक्र भी कीता सी के मतलब उर्दू भी उन्होंने ठीक कीती सी, एक वेल नोन आर्टिस्ट सन साडे उथों दे इंडिया दे, ते उस वेल नोन आर्टिस्ट ने किया के भाई इन्हां दा रीजनल है राइट, ते ए किवें उर्दू बोलनगे। ते फिर उन्होंने एक मौलाना नु बुलाया लता जी ने, और उन्होंने कोलो उर्दू वो पता क्या ये थोड़ा हमें वो क्लियर बात करनी चाहिए, छुपान की कड़ी गल। लता मंगेशकर दी उर्दू ते दिलीप साहब ने इतराज कीता सी। अच्छा, ओके। उन्होंने तारफ हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मराठी बोलने वाले जो लोग हैं उनकी उर्दू तो बहुत अच्छी नहीं होती। जी। तो लता जी ने फिर ये बहुत दफा इंटरव्यू में कहा है कि मैंने फिर आके एक कारी रखा जी। और फिर ट्रेनिंग की और फिर वो गाया, और वो कुदरती भी उनका जो आकार था, जो उनका वोकल था जी, वो इतना अच्छा है कि हर लफ्ज का वो सीटी स्कैन कर देती है। अगर अगर एब्सोल्युटली राइट, अगर चांदनी रात कहती है तो चांदनी रात, अगर वो जो भी लफ्ज कहती है वो उसको फील करके कहती है, और इतनी डिटेल है उनकी जुबान में जी, यानी डिटेल वर्क वो आ जाता है कि जैसे छैया कहें जी, तो छे जो चश्मी है ये अलफ नून गुन ना भी लता जी का क्लियर रहता है। तो आप ये बताएं, जब आपने आपकी तहरीर मैंने पढ़ी तो उसके अंदर आप बताएं कि आपने उनके बारे में लिखा कि जो उनकी माइक बैलेंसिंग थी लता जी की, वो किसने सही करवाई थी उस दौर में कि किसना पॉज देना है गायकी में। हाँ, वो तो मुख्तलिफ सिंगर्स के साथ, वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करके उन्होंने बेहतर की होगी, लेकिन वो खुद कहती हैं एनएल विश्वास जो है, अच्छा, उन्होंने सांस माइक के सामने कहाँ लेना है, कहाँ किस तरह से, कितनी दूर जाके माइक से, और किस तरफ रुख करके, राइट टू लेफ्ट रुख करके, कौन सा लफ्ज कैसे कहना है, और तलफ्ज जो है उर्दू का इनिशली वो मासूम गुलाम आजाद साहब का नाम लेती है, और फिर एनएल बसवास, और फिर दूसरे मौसीकार जिन लोगों का वो ज्यादा जिक्र किया उन्होंने, उन्होंने सलील चौधरी का कहा, एस डी बर्मन का कहा, मदन मोहन का कहा। अच्छा, यहीं पे रुके, आपने जो अभी तस्करा किया है आर डी बर्मन साहब की, जो उनके बारे में भी अभी आपने तस्करा किया, मैं आपकी जितनी भी तहरीर मैंने आपको मतलब पढ़ी है तो उसके अंदर एक चीज बड़ी वाजे हुई है कि जो लता जी थे, और लता जी हैं भी और रहेंगे भी, ठीक है, तो उनमें खुददारी बड़ी थी, अना बड़ी थी, और सेल्फ रियलाइंस बहुत ज्यादा थी, ठीक है, कि अगर उन्होंने उन्होंने सकी भैन ने कहता ना आशा जी ने कि दीदी तुसी इत्थे थोड़े जे इंज आ गए हो, तो वो औरत सुबह न उठ के, मतलब जेडे खातून ने सुबह उठ के रियाज करना शुरू कर दिता है। सही। अगर किसी ने उर्दू का क्या है तो उन्होंने तलफुज की अदायगी टूर पे ने कितो सही मेरी तसी हो सकती है। उनका देखे, मैंने जो लता जी से उनके बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है, मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन भी रहा है उनसे, उनके इंटरव्यू, आपने कवरेज भी दी थी बहुत ज्यादा, तो गोल्डन पिक्चर्स भी हैं इन लोगों। मैंने हाँ जी, मैंने ये देखा है कि लता जी ने एक तो जिंदगी में झूठ बहुत कम बोला है जी, और जो भी है 2 + 2 = 4 ही किया उन्होंने। उनसे जब हम लोग या आप या और लोग उनके चाहने वाले बहुत जब उनकी तारीफ करते थे तो वो जो है वो सारा क्रेडिट जो है ऊपर वाले को, ईश्वर को, वही ईश्वर को और अल्लाह ताला को देती थी वो जी। और फिर वो उनको ये भी वो साथ में वो कहती थी कि अगर मेरे कंधे पर जिम्मेदारियां ना होती, यानी आपको पता है कि 13 साल की उम्र में तो उनके अब्बा फौत हो गए थे जी, जी, है जी, इंतकाल जी, हो गया जी, मास्टर जी, दीनानाथ जी, और मास्टर दीनानाथ अपने अहद के
उस वक्त आप ये कहें मेगा मेगा स्टार थे। एग्जैक्टली गवैया भी थे, मंडली में काम करते थे, हीरो भी थे। और आपने लिखा अब क्या था भला, आपने लिखा था कि जब मास्टर दीनानाथ अपने शागिर्दों को तालीम देते थे तो ये जो लता बीबी जी थी ये पीछे जाके छुप जाती थी और सामने नहीं अपने वालिद की आती थी। एक शर्म का एक ताल्लुक भी था ना कि बाप है और उसके सामने, मगर उनकी एब्सेंस के अंदर उन्होंने उनके शागिर्दों को सिखाना शुरू किया। आपने इस बारे में भी लिखा। लता मंगेशकर और मलकतरनम नूर जहां के रिश्ते से मतलब आपको बहुत से दिलचस्प हकायक बताएंगे पार्ट टू में, देखना ना भूलिएगा।